सो गाइस वेलकम टू रियल मणिपुर, जहां पे आपको जंगल मिलेगा, विलेज की लाइफ मिलेगी और सिटी से दूर बहुत ही खूबसूरत नजारा। मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू पंकु वर्ल्ड। ये मेरी है दूसरी सुबह थोंगलोंग सेनापति मणिपुर में। तो कोई रिश्तेदार बीमार था तो भाभी तो उनको दिखाने के लिए सेनापति के आगे कॉम्पोंग करके कुछ एक जगह है वहाँ पे गए हुए हैं। और अंकल अभी क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। ये क्या कर रहे हो? धार दे रहे हैं। अच्छा, ये तो वो है ना खुकरी। खुकरी कितनी खुकरी है अपने पास? दो है ना, एक बड़ी एक छोटी। अच्छा, तो ये किस काम आती है? ये जंगल में जाने से इसका काम तो बहुत है ना। हाँ, ये जंगल में जाते हैं ना तो भाई बहुत कुछ काम आता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये बड़े बड़े बहुत सारे हैं। देखो ये अलग अलग हर तरह का, कोई किसी से पेड़ काटते हैं, किसी से पेड़ छीलते हैं, किसी से पेड़ को शेप देते हैं, ये देखो किसी से झाड़ी काटते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग है। ये टोकरा है, तो इसमें क्या है कि कुछ भी कोई लकड़ी वगैरह लाना हो, कुछ पेड़ पौधे, कुछ फल वगैरह लाना हो तो इसमें लाते हैं। और ये देखो, ये है भाई हिरण का सर, और ये जो है ये बंदर का सर है, बंदर। ये टोकरा और ये है अपना देसी लहसुन। और ये देखो, ये मधुमक्खी का छाला होता है। इसमें क्या है कि मधुमक्खी को कैप होती है, कैप से निकाल के मधुमक्खी जो होती है ना वो वाइट 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 होता है उसको खाते हैं। और ये पूरा खाली है, ये भी क्लीन है। तो आज तो भाई हमको ही मैगी वैगी बनाना पड़ेगा और कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पीते हैं, क्योंकि भाभी तो है नहीं। और उसके बाद फिर नाश्ता करके हम जाएंगे भाई आज पहाड़ पे। पहाड़ पे एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है, वो आपको दिखाने वाला है। तो वीडियो में भाई आखिर तक बने रहें, और अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो देखें कि कैसे मैं इस विलेज में आया और क्या क्या यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। तो ये मैं बना रहा हूँ चिकन मैगी, जो हम लेके आए थे साथ में, और भी पड़ी है, ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे। भाई ये हमारा अंडा मैगी बनके तैयार हो गया है। हालांकि इसमें एक अंडा ही मिलाना था मुझे, मैंने सोचा छोटा है तो दो मिला दिए मैंने। आप कभी बनाओ एक ही अंडा मिलाना एक मैगी के अंदर। और अंकल तो अभी खाना खा रहे हैं, मैंने कहा आज मैं मैगी खाऊंगा। तो चलो टेस्ट करते हैं भाई कैसा है। अच्छा है। रेडी होने से पहले हम जा रहे हैं अभी बाज़ार। बाज़ार जाके कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पहाड़ पे जाने वाले हैं ना वहाँ पे भाई कुछ भी नहीं मिलेगा और बहुत दूर है। तो उसके लिए कुछ जूस वगैरह या कुछ चिप्स वगैरह ऐसा कुछ भी है खाने पीने का, थोड़ा बहुत ले लेते हैं सामान। वो देखो भाई उस गाड़ी में पूरे बच्चे ठूसे हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। लॉकडाउन आने से स्कूल भी बंद हो जाएगा फिर। हाँ, लॉकडाउन आने से बंद हो जाएगा स्कूल भी भाई। अभी लॉकडाउन होने वाला है वापस मणिपुर के अंदर। खबर आ रही है कि 15 तारीख से लॉकडाउन हो जाएगा। 12 अप्रैल आज है और 15 तारीख से लॉकडाउन होने का चांसेस है। और मेरी फ़्लाइट है भाई 14 अप्रैल की, मतलब लॉकडाउन के चांसेस से जस्ट एक दिन पहले मेरी फ़्लाइट है। तो भाई अपन तो चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे को कि उधर राजस्थान में कोविड रिजल्ट मांगते हैं वो, तो मुझे उसके लिए भाई कल यहाँ से जाना पड़ेगा और कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके लिए भाई जुगाड़ करना है।
कल कल मैं करना है जो कुछ करना है मेरे को, परसों तो फिर निकलना है, और आज का दिन है मेरे को यहाँ पे इस विलेज के अंदर, तो बस आज भाई पूरा एंजॉय करना है जो भी है। और दो दिन हुआ है मेरे को यहाँ आए हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे साला एक सप्ताह हो गया। बहुत बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा, मतलब ये सारा ग्रीन ग्रीन और उधर वो पूरा वाइट पेड़ है, और कितना प्यारा लग रहा है देखो, पूरा वाइट वाइट फूल है सारे। चली अंकल का फेवरेट गाना है चुरा के दिल मेरा। क्या अंकल? नेहा कक्कड़। अच्छा हंसता है बहुत। गोरिया चली टेने ने। अंकल बहुत मस्त है यार एकदम। हेलो बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ खुला है ना आज तो दुकान। भाई ये दुकान है, भीड़ पड़ रही है। हाँ नहीं नहीं आराम से लेते हैं अभी कुछ ना कुछ। ओके भैया थैंक यू। तो भाई बहुत सारा आइटम ले लिए हमने, काफ़ी सारे, खूब सारे चिप्स कुरकुरे माजा और पता नहीं बिस्किट्स वगैरह ले लिए खूब सारे, और दूसरे और भी कुछ खाने पीने का बैग भर गया। अभी आराम से भाई जाएंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं है, कुछ खाने पीने का होगा, आराम से खा पी सकते हैं यार। तू वहाँ कुछ नहीं मिला। ओह इधर ही हो क्या? इधर ही हो? हाँ। यहीं पे हो गया नहीं क्या? हाँ, अभी ये भैया हम लोग गाड़ी वेट कर रहे हैं। अच्छा गाड़ी का वेट कर रहा है ना, हमने सामान लिया थोड़ा। हाँ उधर में जाएंगे जब, हाँ जूस वगैरह और थोड़ा बहुत। तो ये वही लड़की है ना? भाभी जी चले गए गाड़ी में बैठ के, और अभी बस फाइनली हम जा रहे हैं घर पे, और वापस रेडी होके चेंज करके सीधा पहाड़ के लिए निकलते हैं भाई। और अभी सिर्फ बजे हैं 9:20, और ऐसा लग रहा है जैसे भाई आधा दिन हो लिया, क्योंकि 7 उठ चुका था मैं। तो जल्दी उठने के ये फ़ायदे होते हैं, दिन बड़ा हो जाता है आपका। सो भाई अभी रेडी वेडी होके निकल चुके हैं हम जाने के लिए। और देखो हमारा घर वो उधर है, वहाँ से हम उतर के आ गए, और ये आ गई मेन रोड, और हमारे काउबॉय रेडी है। हैं अंकल एकदम काउबॉय लग रहे हैं अंकल। मेजर है, मेजर मेजर। हाँ सही है अंकल। भाई वैसे फौज में थे पहले, बहुत पहले फौज में थे अंकल। कहाँ कहाँ अंकल आपकी ड्यूटी थी फौज में थे जब? हिमाचल। हिमाचल कितना साल उधर? 1। अच्छा यूपी में 1। ट्रेनिंग सेंटर में 1 कसम खा के वो कैंप पे। बराबर पानी, ये पानी भाई नेचुरल पानी, ये देखो ये इस तरह भाई पानी आता है ऑटोमेटिक वाला, झरने वाला पानी आता है और फिर लोगों के घर सप्लाई हो जाता है इस तरीके से। कितना किलोमीटर होगा अंकल वो अभी जहाँ जा रहे हैं अपन? 10 तो होगा। 10 हाँ। हाय दस किलोमीटर, 10 भी ऐसे चढ़ता है भाई पहाड़ पे। हिमालय जा रहा है भाई, हिमालय है मेरे लिए तो भाई 10 चढ़ना पहाड़ पे बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। देखो कैसा होता है कि नहीं होता है एडवेंचर ट्रिप है ये भी भाई, कम नहीं है। तो यहाँ मणिपुर में काफ़ी कुछ एडवेंचर हो रहा है मेरे साथ, और सामान तो हमने काफ़ी कुछ ले लिया, ऊपर जाएंगे जब बताएंगे क्या क्या लिया है हमने, पूरा पिकनिक मना के आएंगे भाई। वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लेक है, उस पर अभी मणिपुर गवर्नमेंट है वो ध्यान भी दे रही है, काफ़ी पैसा भी उन्होंने दिया है उसको डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए। तो दिखाएंगे ज़रूर आपको, वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट कर दिया करो। वे टू जयमेंग। जयमेंग क्या है जगह का नाम? अच्छा हाँ हाँ उसी लेक का नाम है। ओ उस लेक का नाम जयमेंग है। वो मैडम का वो ये है ना हॉस्टल का? हाँ वो मैडम जो टीचर थे ना वो यहाँ पढ़ाते हैं, शाम को मिलेंगे उनसे, उन्होंने बोला था आना मेरे यहाँ पे। बस चढ़ाई शुरू। और यहाँ पे जमीन खरीदने का क्या सिस्टम रहता है अंकल? नहीं नहीं जमीन इधर का लोग ही खरीद सकता है, बस खरीदना नहीं पड़ता है। अच्छा इधर में खरीदना नहीं पड़ता है? हाँ, जो भी आने से भी हाँ वो कस्टमर का नियम से, गांव का नियम से हाँ गांव आदमी का अथॉरिटी का
मतलब पंचायत जैसा है। हाँ हाँ पंचायत जैसा। अथॉरिटी में चाय बनाएगा। हाँ और क्या क्या बनाएगा, एंट्री करेगा, बस हो गया। अच्छा वो इधर रहेगा फिर, वो इधर का हो जाएगा। आपका खुशी से मकान बना सकता है, हैं? लकड़ी, अच्छा अच्छा पत्थर जो भी हो। और फिर उसका वो आधार कार्ड वगैरह इधर का बन जाएगा। हाँ बन जाएगा इधर का। कितना टाइम रहने के बाद? नहीं नहीं आज आ जा कल बना सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। और इंडिया से कहीं से भी कोई भी आ सकता है? आ सकता है, हैं? वाह यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है ये तो। यहाँ के लोग गांव होगा, अपना अपना लिंक होगा ना। हाँ लिंक से अभी बात से बात आप सीधा आप अकेला आने से नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं होगा सही बात है भाई, मतलब लिंक जरूरी होता है इसमें। मेरा लिंक से मेरा लाइन से आप आए ना। हाँ तो मैंने बताएगा। हाँ कि ये जमीन है, ये है, वो है, ये मेरे पोता है। हाँ 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 यस यस। हाँ वही होता है भाई, लिंक से ही काम होगा ये। मेरे खुद के फादर ने माउंट आबू में जमीन लिया था और वो भी लिंक से मिला था उनको, ऐसे नहीं मिला था। तो लिंक जब बन जाते, एक बार हम वहाँ रहे थे करीब 4 साल उधर रहे थे हम, 4 साल रहे थे। उसके बाद मेरे पापा ने उधर लैंड खरीद लिया था, उसके बाद वहाँ पे मकान वकान बनाना सब कर दिया। अभी तो भाई बहुत अच्छा खासा प्रॉपर्टी है अपना माउंट आबू में और फादर वगैरह उधर ही रहते हैं। तो लिंक से काम होता है यार। गाँव के अंदर आपको रहना है तो गाँव के रूल के हिसाब से रहना पड़ता है और वहाँ रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ले लिया बना दिया और आप वापस चले गए, वो नहीं, उधर रहना पड़ेगा भाई। ये रास्ता बहुत चढ़ाई होता है इसलिए। हाँ हाँ। दूसरा जगह में अलाइनमेंट दे रहा है अभी। हाँ सही है सही है। वो अभी हम दोनों जा रहे हैं उसी लेक में ना। हाँ उसी लेक तक पहुँचने के लिए रास्ता दे रहा है ना। पैसा कितना पैसा दिया था गवर्नमेंट ने? हाँ 5,80,00,000। ओह गुड गुड, बहुत अच्छा। हाँ तो इसको डेवलप कर देगा, रास्ता डेवलप कर देगा, लेक के आसपास की जगह डेवलप कर देगा, तो टूरिज्म बूस्ट होगा उससे। गुड, बहुत अच्छी बात है ये। मणिपुर गवर्नमेंट ऐसी जगह पे ध्यान दे रही है। तो भाई देखो ये ऐसा ऐसा रास्ता भी है, पूरी खड़ी चढ़ाई। इधर ग्राउंड बनेगा? ग्राउंड कैसा, फुटबॉल का? ओह बढ़िया। हाँ अच्छा खासा बन जाएगा, काफ़ी अच्छी जगह है ना भाई। यहाँ से कैसे चढ़ेंगे, मैं कैसे चढ़ूँगा, गिर ना जाऊँ कहीं। अरे भाई पकड़ के चढ़ जाते हैं। दिस इज जंगल लाइफ, एडवेंचर लाइफ, और कभी कभी ऐसी लाइफ को जीना चाहिए, मज़ा आता है भाई। आय हाय क्या मज़ा आएगा। अरे बाप रे कांटे चुभते हैं भाई। भाई ऐसा कैसे जाएगा 10 किलोमीटर? भाई एकदम फर्स्ट क्लास दवाई है। कौन सा वाला ये? येलो जो येलो, अच्छा रस्सी है ना। हाँ 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 जॉन्डिस मालूम है आपका? जॉन्डिस? हाँ जॉन्डिस, जॉन्डिस का घुटने का। अच्छा अच्छा ये। ओह वेरी गुड। इसको बॉइल करके, हाँ 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 इसको बॉइल करके बॉइल पानी पीते हैं तो जॉन्डिस अच्छा होता है, जॉन्डिस चला जाता है। सही है सही है। और भाई ये वाला वो पत्ता है, ये देखो भाई काटे हैं इसमें बारीक बारीक, तो यही वो पत्ता है जो दीदी बोल देते हैं इससे बच के रहना, नहीं तो पूरा खा जाएगा, पूरा खुजली होगा, पूरा स्किन खराब हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगा रात को। तो भाई दूर ही रहते हैं हम तो। आधे घंटे नॉन स्टॉप चलने के बाद अभी हम रुके हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं, पूरा गला सूख गया है, पानी यानी पीना है, लेकिन थोड़ी देर बाद पियेंगे 5 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि हाथों हाथ अगर आप पियोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो बस यार 7 मिनट रुके होंगे मुश्किल से। अंकल बोले चलो जवान हिम्मत नहीं हारना, चलो भाई चलते हैं। पर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा, हाँ बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये फूल। यार अंकल बता रहे हैं कि जो पूरा लैंड है यहाँ पे करीब 60 साल पहले गांव हुआ करते थे, लेकिन थोड़ा हाइट पे होने की वजह से वो सब छोड़ के नीचे में चले गए थे, तो अभी ये पूरा जंगल बन चुका है।
अभी हम लोग पहाड़ पे इतना चढ़ाई में चढ़ रहे हैं अभी। वो क्या बोला था नेपाली तेंजुंग हिमालय हिमालय का तेंजुंग वैसा जा रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है पहुंच। अंकल बहुत ट्राई करता है कई बार मारवाड़ी बोलने को। पहुंचने के बाद फिर वीडियो हम लोग शूटिंग करेंगे। अंकल बहुत मजा किया है। इट्स नेचर मैन इट्स नेचर द प्योर ट्रूली जंगल लाइफ। कुछ दिन तो गुजारो जंगल में। जंगल ऑपरेशन मिशन जंगल। और ये देखो भाई इतना खतरनाक नजारा भी यहाँ आ गया है। यहाँ पानी वानी भी चलता अंकल देखो। हाँ। नीचे गीला गीला लग रहा है ना ये देखो। हाँ। इधर पानी भी है। वाह क्या सीनरी है क्या सीनरी है क्या ब्यूटी है यार। देखो ठीक से देखना पंकज मजा आ गया। हाँ दुश्मन लोग भी होगा आगे। दुश्मन गन लाया ना आप। गन तो नहीं लाया है। गन है ना। हाँ। वो लाया ना वो अपना क्या कहते हैं ये कहाँ अपना दिखाओ ये कुकरी ये से भी इतना से भी गर्दन काट देगा। छह आदमी का तो काफी है। लेना मेरे को कुछ। तो भाई कोई भी अगर आएगा हमारे बीच में कोई भी आदिवासी या कोई हम पे हमला करेगा तो भाई कुकरी है काट देगा। हम कुकरी से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत ताकत है इसमें गोरखा कुकरी में। ये हमारी सेफ्टी के लिए है कुकरी। हाँ क्योंकि जंगल जा रहा है ना देखो कैसा रास्ता है। इधर कोई जानवर होता है क्या अंकल। जानवर है। है जानवर। अच्छा अच्छा अभी कैसा लुक लग रहा है। अभी हो गई इसकी टोपी उसके सर। अंकल ने तो पहन लिया है नेपाली टोपी। दिखाओ तो अंकल आगे से। ए देखो नेपाली टोपी है भाई। और ये खुकरी परफेक्ट नेपाली। और हम बन गए अभी काउबॉय। बस घोड़ा नहीं है बस पैदल काउबॉय है हम। तो 15 मिनट बाद लिया हमने तीसरा ब्रेक। और अंकल बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे शिकार वगैरह बहुत होता था ऊपर लेक की तरफ। जंगल भी बहुत काटते थे पेड़ भी बहुत काटते थे। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट नहीं सॉरी यहाँ की जो सरपंच है गांव के मुखिया वगैरह उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया बिल्कुल। तो अभी 10,000 रुपये फाइन भी है ना। कोई शिकार वगैरह कुछ नहीं। तो पहले तो यहाँ पे बहुत शिकार होता था गोलियों की आवाज़ आती रहती थी ढाएँ ढाएँ ढाएँ। लेकिन अभी सारा बंद हो गया तो ये अच्छी बात है। ये अभी आ गए हम कोंगथेंग। ये जगह का नाम है गांव का। ये लेक का। अच्छा लेक नीचे है क्या। ये भी छोटा लेक है ना। अच्छा यहाँ इधर छोटा लेक है दिख नहीं रहा अभी। और भाई देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। कितने ऊपर तक आ गए हम अभी। अभी मौसम से काला हो गया है। हाँ ये सब पहाड़। और देखो यार मेरी किस्मत में देखो साला बारिश होता ही है। मैं ट्रैकिंग के लिए जाता हूँ और बारिश आ जाता है जबकि नीचे गर्मी पड़ रहा होता है। अभी नीचे कितना गर्मी था। मैं पोखरा में था ना नेपाल में। हाँ। तब भी बहुत गर्मी था। ट्रैकिंग पे गया आधे रास्ते ऊपर चढ़ा नहीं तो उतरते समय बारिश आ गया। अरे बहुत साला पता नहीं क्या किस्मत। बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं अभी हम। और अभी शायद आधा रास्ता पार हुआ है हमारा तो वो ऊपर जाना है हमको अभी तो। अच्छी खासी कसरत हो गई यार आज तो। क्या हाँ, बोलते हैं इसको। दूसरा बीमार नहीं पकड़ेगा ये खाने से बोलता है। अच्छा क्या बोलता है इसको पता नहीं। हमारा भाषा में तो किसी। अच्छा तो ये हमको एक फल मिला है रास्ते में। अंकल ने तो खाया दो तीन। मैंने ले लिया ऊपर जाके खाएंगे। तो अंकल बता रहे हैं बचपन में जो बूढ़े लोग होते थे वो बोलते थे ये बहुत बढ़िया होता है खाने से बीमारी वगैरह नहीं होता है। इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ता है। गुड होता है भाई। जंगल तो पूरा कुदरत है। जंगल से तो भाई बहुत सी जड़ी बूटियाँ शिलाजीत पता नहीं क्या क्या मिलता है। सब कुछ दवाइयाँ जंगल से तो मिलती है। और यार
ये रास्ता देखो। और दूसरी बात, मैं आपको इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ वो इसीलिए ताकि भाई आपको एक स्टोरी की तरह बने और आप भी देख पाए किस तरीके से हम चढ़ रहे हैं। आप भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस लोगे तो कैसा लगेगा। मैं चाहूँ तो शॉर्ट बना के सीधा थोड़ा दिखा के ऊपर में दिखा सकता हूँ, बट फ्रेंकली यार उतना मज़ा नहीं आएगा। हालांकि मुझे भी इतना पूरा ब्लॉग बनाने में तकलीफ़ होती है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस दूँ और आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे आप मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। इसीलिए सो गाइस, बस वीडियो को पूरा देखा करो और थोड़ा अप्रिशिएट किया करो। सो गाइस, वेलकम टू रियल मणिपुर, जहाँ पे आपको जंगल मिलेगा, विलेज की लाइफ मिलेगी और सिटी से दूर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर बारिश, सब कुछ है यहाँ पर इस विलेज की लाइफ में। स्वागत है आपका द रियल मणिपुर। बारिश को मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है भाई, जब भी ट्रैकिंग करता हूँ बारिश आती ही आती है भाई। फुल एंजॉय, पूरा गीला हो चुका हूँ पूरा ऊपर से नीचे तक। लकड़ी आई गीली है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको जलाने की।